हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रियल एस्टेट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 12056 देहरादून न्यू दिल्ली जन शताब्दी एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपके पास पहुँच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन देहरादून उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश होते हुए न्यू दिल्ली तक चलती है और इस ट्रेन में ICA ब्रेक यूज होता है और इस ट्रेन को नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये जनशताब्दी टाइप का ट्रेन है और इस ट्रेन का देहरादून से न्यू दिल्ली तक जो दूरी है वो है 305 किलोमीटर का और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर का और इस ट्रेन का देहरादून से न्यू दिल्ली तक जाने में टाइम लगता है 6 आवर 15 मिनट्स का और इस ट्रेन का रास्ते में 8 स्टेशन पर हॉल्स है और इस ट्रेन में 4 AC चेयर कार और 9 सेकेंड सीटिंग चेयर कार का कोच शामिल है और इस ट्रेन का देहरादून से न्यू दिल्ली तक जाने में जो कॉस्ट है वो है AC चेयर कार का 535 रुपीज़। इसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपर फास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है और सेकेंड सीटिंग चेयर कार का है 165 रुपीज़। इसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपर फास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 7 दिन देहरादून से सुबह के 5 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह हरिद्वार जंक्शन। यहाँ पर ये 6:25 पर आता है और 6:30 पर चला जाता है। इसका 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है रुड़की। रुड़की में ये 7:13 पर आता है और 7:15 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन उत्तराखंड छोड़ के उत्तर प्रदेश में एंटर होती है। एंटर होने के बाद इसका जो स्टेशन आता है वह टापड़ी जंक्शन। यहाँ पर ये 7:54 पर आता है और 7:56 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है देवबंद। देवबंद में ये 8:16 पर आता है और 8:18 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है मुजफ्फरनगर। यहाँ पर ये 8:36 पर आता है और 8:38 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है मीरठ सिटी। यहाँ पर ये 9:24 पर आता है और 9:26 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में ये 10:28 पर आता है और 10:30 पर चला जाता है। इसका 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है स्टेशन का सेकंड लास्ट स्टॉपेज वो है दिल्ली का तिलक ब्रिज। यहाँ पर ये 10:53 पर आता है और 10:54 पर चला जाता है। इसका 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद आता है स्टेशन का डेस्टिनेशन वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में 11:15 पर 10 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है और 305 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।